ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं कृतिका। आज एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है। जिला गुरदासपुर के एक गांव में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया। वहीं पुलिस जिला बटाला के थाना घनिया के बांगार में शिकायत मिलने पर पुलिस की तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया है, जबकि आरोपी अभी फरार है। पुलिस जिला बटाला के अधीन पड़ते एक गांव की 5 साल की बच्ची के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले एक 16 साल के लड़के की तरफ से बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पीड़ित बच्ची के परिवार की तरफ से इस मामले में पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस थाना प्रभारी अमोल कदीप सिंह ने बताया कि बच्ची की दीदी के बयानों पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पीड़ित बच्ची का मेडिकल भी करवाया जाएगा। और वहीं उन्होंने बताया है कि आरोपी अभी फरार है और उसे गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। ਘਣੀਕੇ ਬਾਂਗਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ, ਉਮਰ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾਗੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੀ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਥਾਣਾ ਘਣੀਕੇ ਬਾਂਗਰ ਵਿਖੇ FIR ਨੰਬਰ 34 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 376 IPC 3-4 ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਉਸ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। उधर आरोपी के परिवार का कहना है कि बच्ची उनके पड़ोस में रहती है और वह उनके घर खेलते हुए आई थी, लेकिन जो आरोप उनके बच्चे पर लगाए गए हैं वह झूठे हैं और बेबुनियाद है। प्राइम न्यूज 24 के लिए गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। 5 साल तो हाँ इन्होंने कोई खून सहन नहीं गा, ये झूठा हाडे बेटे दे जाम ला रहे है। ते बेटी ठीक आई ही, ते ओ मुड़को दी मम्मा लै गई बुला, सारा परिवार ही घरे, हाडे बच्चे नूं नजायज फसा रहे, सानू मतलब साफ चाहिए था।